नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ चेंज हो चुके हैं और कुछ चीज़ें जा भी रही हैं तो कुछ चीज़ें आ भी रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण वो चली भी जाती हैं और कुछ नई चीज़ें आ भी जाती हैं उतने ही मात्रा में। तो उससे रिलेटेड हम कुछ ऐसे जानकारी आपको शेयर करते हैं आज, आप भी उसमें कुछ माइंड लगाएंगे। हम नेक्स्ट आपको अगले टॉपिक में उसे हम कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पर देखें, जैसे इस सिस्टम को हम इसे और डीप में ले चलते हैं और इसको हम थोड़ा सा बहुत ही उसको सूक्ष्म तरीके से समझते हैं। वो कैसे देखिए, जैसे ये हमारा कॉयल है, ये जो इंडक्टिव कॉयल है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसमें स्टील रॉड को इन करने पे यानी काफ़ी हीट हो जाता है, यानी रेड कलर में उसका चेंज हो जाता है जितना एरिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के जगह पे जैसे इसको हम यहाँ से हटा दिए और इसको हटाने के बाद इस टाइप के कॉयल को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा एक इंडक्शन जो कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए जो इंडक्शन यूज किए जाते हैं यानी इंडक्शन स्टोव बोलते हैं उसे। तो ये क्या होता है, ये एक वायरलेस सिस्टम है, ये भी एक वायरलेस सिस्टम है। इसमें इसके अंदर एक गैप है यानी स्पेस है इस कॉयल के अंदर और उसमें स्टील के रॉड यानी लोहे की रॉड को इन कराते हैं तो हीट होता है। यहाँ पे क्या है, ये कॉयल जो है एक बराबर में है और इस बराबर में क्या है कि इसके ऊपर जब हम कोई जो कुकिंग के लिए जो बर्तन आते हैं उसे जब हम ऊपर रखते हैं तो इसमें कोई भी चीज़ हम बना लेते हैं इससे। लेकिन इसी को अगर हम और डीप में ले जाएं, जैसे यहाँ पर हम इस कॉयल के बाद एक कॉयल और रखें तो उसमें भी इसके जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल चार्जर में देखिए, मोबाइल चार्जिंग सिस्टम में वायरलेस सिस्टम होता है, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम होता है। इसको हम और हम बताएंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे जब इसके बारे में, तो डिटेल से हम आपको वो भी सिस्टम, ए भी सिस्टम और भी इसके भी सिस्टम बताएंगे आपको। और एक एग्जांपल आपको दे दें कि जैसे आप एमआरआई टेस्ट कराते हैं बॉडी का मेडिकल में, जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आप देखते हैं कि पूरी बॉडी को उस स्पेस में इन कराया जाता है। कौन सा स्पेस? उस मैग्नेटिक एरिया के अंदर, जैसे ये कॉयल है। ठीक है, अब उसमें जो इमेजेस बन के आते हैं जो रिपोर्ट में, जिसमें हमारे टिश्यू होते हैं, सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड के और जो और भी जो उसमें ऑर्गन होते हैं, वो सारे जो उसका स्ट्रक्चर है वो चीज़ें क्लियर एक डेटा के रूप में, इमेजेस के रूप में वहाँ पे हमको उसका रिपोर्ट मिलता है, उसका कंडीशन। अब इसके कंडीशन हमारे पहले के एक नॉर्मल पैरामीटर के अनुसार उसका जो है इमेज का जो है ट्रेस आउट करके उसमें निकाला जाता है कि फॉल्ट का क्या मतलब कहाँ पे कैसा प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। ठीक है, ये चीज़ें कैसे होती हैं इसी चीज़ को हम समझते हैं आगे। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट का बहुत ही बड़ा रोल है और अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। आप देखते होंगे स्पीकर में भी एक मैग्नेटिक एरिया होता है, आप देखते होंगे सीआरटी टीवी के ऊपर भी एक कॉयल होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हैं मैग्नेटिक फील्ड हैं, जैसे हमारा अर्थ का ग्रेविटेशन है वो भी एक मैग्नेट है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम समझते हुए उसके डीप में चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेंगी जो आज के टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रहा है यानी अभी है भी, आपको बहुत अभी 2-4 महीने में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी घरों में यूज किए जा रहे हैं। कि स्विचेज को भी आप देखें तो ऐसे हाथ कर दें वो स्विच बंद हो जाएगा, ऐसे हाथ कर दें वो जो है ओपन हो जाएगा, यानी ओपन क्लोज दोनों सिस्टम केवल एक आपके हाथ से हो जाएगा। आपके टीवी पे मात्र आपके सोचने से वो चैनल चेंज हो जाएगा, आपके सोचने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमको अपने सिस्टम को भी समझना होगा क्योंकि अभी बहुत हाल ही में आप देखते हैं, देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको आप अपने माइंड से, जैसे आप रिमोट से पहले उसे ऑपरेट करते थे, आप इस सिस्टम यानी अपने माइंड से वो उसे जो है जैसे जैसे आप सोचेंगे ऐसे ऐसे वो मूवमेंट करेगा ये ड्रोन। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए कैसे हो रहा है कि मात्र इशारा से,
तो इसी चीज़ को हम इसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि आगे जैसे ये सर्किट नहीं रहेगा, लेकिन अब जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये सर्किट एक इमेज के रूप में आ जाएगा जब हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, ये हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि जब हम एक बेसिक को थोड़ा सा लॉन्ग खींचेगा, लेकिन उसमें क्या है कि जब बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएगी तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन उसको समझने के लिए बड़े से मामले को लेकर हमको गुजरना होता है, जिसे कहते हैं कि हम बेसिक थ्योरी। तो बेसिक थ्योरी को जब हम समझते हैं तब किसी चीज़ को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।